मेरी जो हेडिंग है वो है विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संस्थाएं। हेडिंग डाल दीजिए विभिन्न राज्यों की पंचायती राज संस्थाएं। यहां मैं तीन कॉलम बना के चलूंगा। एक तो मैं बात करूंगा पंचायतों के स्तर, एक तो मेरा कॉलम ये होगा पंचायतों के स्तर, और पंचायतों के स्तर में मैं चार डिवाइडेशन लूंगा। एक तो मैं बात करूंगा एक स्तरीय, दो स्तरीय, त्रिस्तरीय और चार स्तरीय। तो ये तो क्या हो गए, पंचायतों के स्तर हो गए। एक मैं बात करूंगा कि ये जो पंचायतों के स्तर है ये कौन कौन सी संस्थाएं हैं। संस्थाएं कौन कौन सी है ये, आइए देखिए। यदि एक स्तर है तो एक स्तर होगा तो कौन सा होगा, ग्राम पंचायत होगी, ग्राम पंचायत होगी। और यदि दो स्तर होंगे तो कौन कौन से होंगे, एक ग्राम पंचायत होगी, दूसरी पंचायत समिति होगी। यदि दो स्तर होंगे तो, यदि तीन स्तर होंगे तो वही बात, एक ग्राम पंचायत होगी, एक पंचायत समिति होगी और एक जिला परिषद होगी। ये तीन स्तर होंगे। इसी तरीके से यदि चार स्तर होंगे तो इसमें ग्राम पंचायत होगी, अब इसको ध्यान से लिखना, दूसरा अंचल पंचायत होगी, अंचल पंचायत, ये नया शब्द है आपके लिए, और तीसरा होगा आंचलिक परिषद, और चौथा होगा जिला परिषद। ये स्थितियां देखने को मिलती है। त्रिस्तरीय होंगे तो ये संस्थाएं होगी, चार स्तरीय होंगे तो उस प्रकार की संस्थाएं होगी, दो स्तरीय में ये ग्राम पंचायत और पंचायत समिति होगी और एक स्तरीय में केवल ग्राम पंचायत होगी। समझ में आई सारी बात। अब मैं बात करूंगा ये जो सिस्टम है कौन कौन से राज्य में देखने को मिलता है, ये आपने ध्यान में रखना है, राज्य कौन से हैं। यदि मैं कहूं एक स्तरीय सिस्टम है ये केरल में देखने को मिलता है, J&K में देखने को मिलता है, केरल में, J&K में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, सिक्किम में, मणिपुर, सिक्किम। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से राज्य में एक स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दे देगा। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें केवल एक स्तरीय ग्राम पंचायत व्यवस्था है, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा, ऐसे बनता है। अब ऐसे कौन से राज्य है जिसमें दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, यह है असम,
उड़ीसा, मध्य प्रदेश, असम है, ओडिशा है, मध्य प्रदेश है, असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश, हरियाणा है, कर्नाटक है, ये आपने ध्यान में रखना। यदि मैं आपसे ये कह दूं कि मध्य प्रदेश में पंचायती राज के कितने स्तर हैं, दो स्तर हैं, नाम पूछ लो तो बता दोगे, आपके सामने है, कितना आसान है ये। आइए अब त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहां है, एक तो आप सीधा ही नाम लिख दो, राजस्थान, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश है और हिमाचल प्रदेश है। तो इन नौ राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। जैसे राजस्थान के संबंध में अभी अपनों ने जाना है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, और ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, ये केवल एक ही राज्य में है। चार स्तरीय व्यवस्था एक ही राज्य में देखने को मिलती है और वो है पश्चिमी बंगाल। देखिए कितना महत्वपूर्ण चार्ट है ये, जिसको अक्सर हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और ये उस टाइप के क्वेश्चन बनाता है जो मेरिट तय करते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। एक बार आप इसे नोट करें, इसके बाद मैं कुछ बातें और करूंगा राज्यों के संबंध में कि पंचायती राज व्यवस्था वहां किस रूप में झलकती है, नोट करें एक बार। आइए इस चार्ट को दो बातों के बगैर इनकम्प्लीट माना जाएगा, एक तो गोवा के संबंध में है, एक मेघालय, नागालैंड इनके संबंध में है। आइए बात करें, गोवा में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। लेकिन इसके नाम क्या है अलग देखने को मिलते हैं, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये तो वही है हमारे राजस्थान के जैसा ही, लेकिन इसके अंदर एक बीच में व्यवस्था होती है, जैसे पंचायत समिति होते हैं, यहां पर इसको कहते हैं तालुका परिषद। अब ये केवल गोवा में देखने को मिलती है, इस कारण से यह एक विशेष प्रकार का क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन और है मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के संबंध में, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ये जो तीन राज्य है इनमें पंचायतों का गठन नहीं किया गया है,
पंचायतों का गठन नहीं है इन तीनों राज्यों में। तो फिर यहां पर क्या है, यहां पर पंचायतों से संबंधित जो काम है जनजातीय परिषद है। तो एक लाइन यहां पर लिख दीजिए, यहां पर एक स्तरीय जनजातीय परिषद काम करती है। अभी आपका टॉपिक कंप्लीट माना जाता है कि विभिन्न राज्य में जो पंचायती राज संस्थाएं हैं उनके स्तर क्या है, नाम क्या है, इनका रूप कैसा है। तो मैं मान के चलता हूं ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरिट तय करने वाले क्वेश्चन होते हैं। हम जब ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से आ गया, इस प्रकार के जो डिमांड है इस प्रकार के क्वेश्चन पूरी करते हैं। तो एक बार आप इसे नोट कर लें।